बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ और विजय दिवस क्या है हम ये समझेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि अंग्रेज भारत में 150 साल तक राज करके गए थे और उन्होंने ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया था, जिसे भारत के हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ गई थी और मुसलमान पाकिस्तान की मांग करने लगे थे, जिससे कि कुछ मुसलमान पूरब की तरफ इकट्ठे हो गए थे और कुछ मुसलमान पश्चिम की तरफ इकट्ठे हो गए। पूरब की तरफ इकट्ठे हुए मुसलमानों को ही पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और जो पश्चिम की तरफ इकट्ठे हुए थे उन्हें उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, ठीक है। और जो पश्चिम पाकिस्तान का जो नाम है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे 1933 में रहमत अली, ठीक है, उन्होंने इस पाकिस्तान का नाम दिया था, ठीक है। जब अब पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लोग थे, उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व तो था, वहाँ के ही लोग थे, वो जनता में सरकार में चुन के जाते थे, ठीक है। वहीं पर डेवलपमेंट होता था पश्चिमी पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में ना डेवलपमेंट होता था ना वहाँ के लोग सरकार में चुन करके जाते थे, ठीक है। और आप मैप में देखोगे तो भारत बीच में पड़ जाता है, आज जहाँ पर बांग्लादेश है वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। तो फिर इस तरह से ना तो उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व, ना वहाँ पर डेवलपमेंट होता था, ना वहाँ के लोग सरकार में चुन के जाते थे, ना लोगों से कुछ पूछा जाता था, राय ली जाती थी, ठीक है। तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था पूर्वी पाकिस्तान की जनता में, ठीक है। एक बार जब राजनेता वोट मांगने के लिए आए थे पूर्वी पाकिस्तान में तो लोगों ने उनके प्रति आक्रोश दिखाया, ठीक है। अब जब आक्रोश दिखाया तो मुठभेड़ वगैरह हो गई, तो फिर पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जब लोगों पर हाथापाई भी हुई और कुछ लोग मतलब भारत में आ गए थे, ठीक है, भारत में माइग्रेट करके आ गए थे, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और आपको यही पता है कि 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे, तो भारत अपने लोगों का पेट भरने में लगा हुआ था, ठीक है। तो जब भारत पर और बर्डन पड़ गया, पूरी पाकिस्तान के लोग आ गए, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्यों ना हम इसका सोल्यूशन ढूंढें, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने यूएन वगैरह से भी बात की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो मुजीबुर रहमान हुआ करते थे, उनके वैसे ही वो एक मतलब छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर के ही नेता थे मुजीबुर रहमान, उन्हीं के नेतृत्व में उनसे बातचीत की उन्होंने और अपनी सेना भेज दी, भारत ने अपनी सेना भेज दी मुजीबुर रहमान के साथ, ठीक है, कि आप जाओ और सेना जाएगी हमारी। तो सेना ने क्या किया कि उनकी जो पूरी पश्चिमी पाकिस्तान की सेना आई थी उसे खदेड़ दिया और पीछे हटा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने भारत पर अटैक कर दिया था, ठीक है। जब भारत पर अटैक कर दिया, और आपको पता है पहले से भारत किसी को छेड़ता नहीं है और फिर बाद में किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भारत की सेना ने उसे पीछे खदेड़ दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस तरह से 16 दिसंबर को बांग्लादेश का निर्माण हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बना दिया गया, आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और 16 दिसंबर को इसी के रूप में विजय दिवस मनाया जाता है। और पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान थे, जिन्हीं की आज बेटी हैं वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, थैंक यू, जिनका नाम है शेख हसीना।